हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सबका धन्यवाद जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आप सामान्य विज्ञान की इस क्लास में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, तो अपन लोग पढ़ रहे थे मानव शरीर एवं तंत्रों के बारे में। इसमें हमने पढ़ लिया पाचन तंत्र, पढ़ लिया श्वसन तंत्र, पढ़ लिया ठीक है, उसके बाद में रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया, फिर अपन ने उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया, और आज अपन एक नए तंत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। दोस्तों तो आज किसकी बात करेंगे अपन? तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे दोस्तों। ओके, हाँ देखो दो, तंत्रिका तंत्र, अब ये जो नर्वस सिस्टम है ना, तंत्रिका तंत्र, देखो हमारे शरीर पर नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है? नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र करता है दोस्तों। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, हमारे शरीर पर नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। हमारे शरीर पर कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र करता है। ओके दोस्तों, ध्यान में रह जाएगा। हाँ, हमारे पूरे शरीर पर कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। हमारे शरीर की छोटी से छोटी कार्य प्रणाली या छोटी से छोटा जो कार्य होता है, जो हमारे शरीर संचालित होता है, जैसे गति है, बोलना है, सोचना है, खेलना है, कूदना है, दर्द है, संवेदना है, हंसी है, खुशी है, गम है, ठीक है, किसी से नफरत है, प्रेम है, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है दोस्तों। कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। अब इस तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई, इसकी बात करेंगे दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों तंत्रिका कोशिका। क्या होती है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका होती है दोस्तों। नर्व सेल है ना, वो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों। नर्व सेल है वो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है। आगे बात करें, अब देखो, अब बात करते हैं, ये जो तंत्रिका कोशिका है, ये जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, इसके बारे में आपको दो तीन बातें बता देता हूं। सुनिए, तंत्रिका कोशिका में पहली बात ये है, शरीर की सबसे लंबी, शरीर की सबसे लंबी वह गुच्छित कोशिका या शाखित कोशिका, शरीर की सबसे लंबी वह शाखित कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका होती है। शरीर की सबसे लंबी वह शाखित कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे ज्यादा शाखाएं या सबसे ज्यादा ब्रांच, समझ लो ना बात को, सबसे ज्यादा शाखाएं किसकी बनती है? तंत्रिका कोशिका की बनती है। दूसरा फैक्ट ये है दोस्तों कि जो नर्व सेल है या तंत्रिका कोशिका है ना, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता? कोशिका विभाजन नहीं होता दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या नहीं होता? कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है। हाँ, और नर्व सिस्टम को जो हानि पहुंचती है, देखो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र या कोशिका को जो हानि होती है, ठीक है, वो स्थायी होती है दोस्तों। क्या होती है? वो स्थायी होती है, समझ गए ना? तंत्रिका कोशिका को जो हानि होती है ना दोस्तों, वो स्थायी होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे अपन ये बोले कि हमारे मस्तिष्क या ब्रेन पर अगर कोई जटिल चोट लग जाती है तो वो रिकवर होने में बहुत ज्यादा समय ले लेती है ना, क्यों? क्योंकि तंत्रिका कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होता, और सबसे ज्यादा तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अपने मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। लगभग 90% तंत्रिका कोशिकाएं है ना हमारे मस्तिष्क में है। हमारे शरीर की 90% तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में है, ठीक है। इसीलिए एक्सीडेंट वगैरह वगैरह के केसों में आपने सुना होगा कि अगर दिमाग की चोट लगी है या मस्तिष्क में चोट लगी है तो वो जल्दी से सही नहीं होती। इसीलिए आपको ट्रैफिक रूल में सबसे पहले हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है, ठीक है, हेलमेट पहनिए। लेकिन अपन लोग लापरवाह हैं, नहीं पहन पाते, नहीं पहनते हैं, नहीं पहनते ना। हाँ, अब देखो तो तंत्रिका कोशिका में जो क्षति होती है ना दोस्तों, वो स्थायी होती है दोस्तों। क्या होती है? वो स्थायी। अब देखो आगे, आगे बात करते हैं, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक कहां पाई जाती है दोस्तों? मस्तिष्क में पाई जाती है। सर्वाधिक कहां पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है या मस्तिष्क में पाई जाती है? सर्वाधिक मस्तिष्क में पाई जाती है। लगभग कितना दोस्तों? 90%।
90% तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? अपने मस्तिष्क या ब्रेन में पाई जाती है। 90% तंत्रिका कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क या ब्रेन में पाई जाती है दोस्तों, गॉट इट? ठीक है। अब जिस प्रकार अपन प्रत्येक तंत्र में अपन बात करते हैं ना जनक की, ठीक है, उसी प्रकार मैं आपसे बोलूं तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। अगली बात क्या कर रहा हूं दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है दोस्तों। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। देखो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, समझ गए? अब देखो, अब ये जो न्यूरोलॉजी है इस न्यूरोलॉजी का जनक कौन है दोस्तों? न्यूरोलॉजी का जनक है जीन मार्टिन, जीन मार्टिन चारकोट। ठीक है, जीन मार्टिन चारकोट है, वो कौन है? न्यूरोलॉजी के जनक है दोस्तों। न्यूरोलॉजी के जनक किसे माना जाता है? जीन मार्टिन चारकोट को माना जाता है। किसे माना जाता है? जीन मार्टिन चारकोट को माना जाता है दोस्तों। आगे बात करें, अब ये जो तंत्रिका तंत्र है इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना जरूरी हो जाता है दोस्तों तंत्रिका कोशिका। क्या पढ़नी शुरू हो जाती है? तंत्रिका कोशिका। तो अब नर्व सेल की बात अपन डिटेल से करेंगे। तंत्रिका कोशिका है ना, इसकी बात अपन डिटेल से एकदम डीपली बात करेंगे कि तंत्रिका कोशिका है वो किस प्रकार की संरचना है, उसमें किस प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं, किस प्रकार यह कार्य करती है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती चाप क्या है, ये सब अपन इसमें जानेंगे दोस्तों। देखिए, कुछ इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका होती है जिसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। इन सभी भागों के बारे में मैं आपको दोस्तों डिटेल से बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। हाँ, पूरी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों इसकी, जहां पर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखाई दे आप बोल दो दोस्तों कि यहां पर समझ में नहीं आ रहा है यहां पे, या हमें यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वैसे ही उसे आपको दोबारा से या किसी अन्य प्रकार से आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है, तुरंत आपका आपकी समस्या का निदान होगा दोस्तों। ठीक है, कुछ इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका होती है दोस्तों। ठीक है, अब देखो, ये इसका केंद्रक है, इसके चारों ओर ये कोशिका द्रव्य हो गया या कुछ अन्य कोशिकाएं हो गई, ठीक है, वो है ये, यहां पे क्या हो गया आपने तंत्रिकाक्ष हो गया। देखो, ये जो सबसे पहला भाग है इसे बोलते हैं दोस्तों साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन यानी तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? साइटोन यानी कोशिका काय। सॉरी, साइटोन को क्या बोलते हैं? कोशिका काय। साइटोन को क्या बोला जाता है? कोशिका काय बोला जाता है। अब देखो, अब ये हो गया इसका केंद्रक, न्यूक्लियन, केंद्र क्या? न्यूक्लियन। अब ये जो छोटी छोटी संरचनाएं निकली हुई है ना, इन्हें बोलते हैं दोस्तों द्रुमिका। क्या बोलते हैं? द्रुमिका या डेंड्रोन, द्रुमिका या डेंड्रोन। अब ये जो बेलनाकार संरचना है ना दोस्तों, इसे बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? इसे तंत्रिकाक्ष या एक्सोन, तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। क्लियर है दोस्तों? इसे क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष या एक्सोन बोलते हैं। अब ये जो मोटी संरचना है ना, इन्हें बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब, क्या बोलते हैं इसे? सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। अब ये जो सिनेप्टिक नोब है ना, ये और छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है, छोटी छोटी संरचनाओं में विभाजित होती है, जिसे बोलते हैं दोस्तों सिनेप्टिक पुटिका। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक
पुटिका बोलते हैं दोस्तों, सिनेप्टिक नर्व और सिनेप्टिक है पुटिका, समझ गए। अब ये जो इसी प्रकार ये तंत्रिका कोशिका खत्म हो गई, इससे आगे तंत्रिका कोशिका यहीं से तो शुरू होगी, तो इनके बीच में ये जो खाली स्थान बचता है, ठीक है, इसे बोलते हैं दोस्तों सिनेप्स। क्या बोलते हैं इसे? सिनेप्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसके दोस्तों? तंत्रिका कोशिका की। ये किसकी स्ट्रक्चर है? तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, इसकी छोटी छोटी सभी बातों को हम कवर करेंगे। जहां पर आपको प्रॉब्लम हो बताइए, आपका स्ट्रॉन्गली वेलकम है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारा प्रथम ध्येय यही है। अब देखो, अब अपन बात करें कि सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? साइटोन की बात करेंगे। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? साइटोन की बात करेंगे। तो सुनिए साइटोन के बारे में। क्वेश्चन किस प्रकार से उठता है, कहां से उठता है, वो बातें बता रहा हूं, चार पांच ध्यान रखना। इसमें सभी छोटी छोटी बातें भी शामिल होगी और बड़ी बड़ी बातें भी शामिल होंगी, ठीक है। हाँ, हमें एकदम जीरो से शुरू करना है दोस्तों। देखो, नंबर एक है साइटोन, नंबर एक है साइटोन या कोशिका काय, कोशिका काय जिसे सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं या इसे साइटोन बोलते हैं? सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं। देखो, पहली बात, तंत्रिका कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, तंत्रिका कोशिका का सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण भाग है ना, वो कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो कौन सा है दोस्तों? साइटोन है, ठीक है। अब इसमें सुनो, इसमें केंद्रक सहित, इसमें केंद्रक सहित सभी मूलभूत कोशिका, सभी मूलभूत कोशिका उपस्थित होते हैं। इसमें केंद्रक सहित सभी मूलभूत कोशिका उपस्थित होते हैं। अब इसमें एक कोशिका है जिसका जिक्र बार बार होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, अति अभिरंजित ग्रेन्यूल कोशिका या ग्रेन्यूल सेल। ग्रेन्यूल सेल किसमें उपस्थित होती है? साइटोन में उपस्थित होती है दोस्तों, ग्रेन्यूल सेल कहां उपस्थित होती है दोस्तों? साइटोन में उपस्थित होती है, ठीक है। जो जो तंत्रिकीय संवेदों, तंत्रिकीय आवेगों को या तंत्रिकीय संकेतों को अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है, गॉट इट। अब देखो आगे, अब बात करें, अब ये जो तंत्रिका कोशिका, ये साइटोन से ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर निकली हुई है, इन्हें बोलते हैं द्रुमिका या डेंड्रोन। क्या बोलते हैं इन्हें? द्रुमिका या डेंड्रोन बोलते हैं, जिनका संपर्क किससे होता है दोस्तों? बाह्य अंगों से। किसे? बाह्य अंगों से। और बाह्य अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? द्रुमिका या डेंड्रोन करती है। और ये इन संकेतों को ग्रहण करके कहां भेज देती है? सेल बॉडी में भेज देती है। और सेल बॉडी इन्हें कहां भेजती है दोस्तों? तंत्रिकाक्ष में भेजती है। किसमें भेजती है? तंत्रिकाक्ष में भेजती है, अभिरंजित ग्रेन्यूल सेल है ना, इनकी सहायता से, ठीक है। अभिरंजित ग्रेन्यूल कोशिकाओं की सहायता से ये कहां भेज देती है? इसे तंत्रिकाक्ष में भेज देती है। और फिर तंत्रिकाक्ष से कहां भेजेगा दोस्तों? सिनेप्टिक नोब में। और सिनेप्टिक नोब है ना, वो इसे कहां भेजेगी? सिनेप्टिक पुटिका में भेजेगी दोस्तों। कहां भेजेगी? सिनेप्टिक पुटिका में भेजेगी। और सिनेप्टिक पुटिका से ये आगे अगली तंत्रिका कोशिका में प्रवेश करते हैं दोस्तों, अगली तंत्रिका कोशिका में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार ये संकेत है ना, कोशिका दर आगे से आगे चलते रहते हैं और लास्ट में सेंट्रल नर्व सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचते हैं, जहां पर इन संकेतों का कार्रवाई होती है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी देर बात करूंगा, ठीक है। अब देखो, अगली तंत्रिका कोशिका यही पर तो जुड़ी होगी ना, जिसे क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। और सिनेप्स में पाए जाते हैं दोस्तों न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या पाए जाते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं कि जब संकेत यहां से चलकर यहां तक पहुंचते हैं, ये विद्युत आवेगों के रूप में संकेत है, वो जब यहां से लेकर यहां तक पहुंचेंगे तो थोड़े क्या हो जाएंगे? दुर्बल हो जाएंगे दोस्तों। थोड़े क्या हो जाएंगे? दुर्बल हो जाएंगे, थोड़े कमजोर हो जाएंगे। तो इन कमजोर संकेतों को पुनः आवर्धित करके, इन कमजोर संकेतों को पुनः आवर्धित करके अगली तंत्रिका कोशिका में भेजने का कार्य कौन करते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर करते हैं। अगली तंत्रिका कोशिका में भेजने का कार्य कौन करते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर करते हैं। और कई बार है ना, इन न्यूरो ट्रांसमीटरों के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, कई बार इन न्यूरो ट्रांसमीटरों में क्या पूछ लिए जाते हैं? एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। इन एग्जाम्पलों की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, देखो, ठीक है। तो महत्वपूर्ण न्यूरो ट्रांसमीटर, इसमें पहला आपको याद रखना है दोस्तों, आपको ध्यान में भी है, आपने सुना भी है, एड्रिनलिन।
एड्रिनलिन हार्मोन है ना, वो किसकी तरह कार्य करता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है। एड्रिनलिन हो गया, हाँ सिनेप्स में क्या पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर में सबसे पहले है एड्रिनलिन, दूसरा है दोस्तों डोपामिन, दूसरा क्या होता है डोपामिन, तीसरा होता है सीरोटोनिन, सीरोटोनिन कौन सा होता है सीरोटोनिन, चौथा होता है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। एड्रिनलिन, डोपामिन, सीरोटोनिन और सोमेटोस्टेटिन, एड्रिनलिन, डोपामिन, सीरोटोनिन और सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। ये सब क्या करते हैं, तंत्रिकीय आवेगों को या तंत्रिकीय संवेदनों को प्रबल करके अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोन तक पहुंचा देते हैं, समझ गए बात को, या अगली तंत्रिका कोशिका तक छोड़ देते हैं। तो ये सब किसके बारे में था दोस्तों, तंत्रिका कोशिका के बारे में था। अब ऐसी हजार ऐसी बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़कर सभी संकेतों को कहां लेकर जाती है, मेरुरज्जु तक लेकर जाती है, और मेरुरज्जु उन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और मस्तिष्क उन संकेतों का विश्लेषण करता है, और उसके बाद में विश्लेषण के बाद में जो भी फैसला होगा वो मस्तिष्क सबसे पहले तंत्रिका मेरुरज्जु को देगा, मेरुरज्जु से वो संकेत कहां जाएगा, कहां जाएगा तंत्रिका कोशिका में, और तंत्रिका कोशिका से वह संकेत कहां जाता है बाह्य अंग यानी त्वचा जैसे बाह्य अंगों में प्रवेश करता है, जिससे हम क्या ले पाते हैं फैसले ले पाते हैं, कैसे ले पाते हैं वो देखिए, ठीक है। तो इसे मैं आपको समझाऊंगा प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप के माध्यम से। तो अगला अपना छोटा सा टॉपिक रहेगा क्या, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रतिवर्ती क्रिया का संबंध किससे होता है, तो तंत्रिका तंत्र से होता है, इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया व प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया व प्रतिवर्ती चाप। देखो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। देखो जैसे आपने कोई बाह्य उद्दीपक से संवेदना ग्रहण की, भाई उद्दीपक से आपने कोई संवेदना ग्रहण की, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे इस ब्लैक बोर्ड को टच किया, ये व्हाइट बोर्ड है सॉरी, इसे टच किया, जैसे आपने इसे टच किया तो आपको ये पता चलेगा कि या तो ये ठंडा है या ये क्या है गर्म है, ठीक है ठंडा है या गर्म है, यानी कहने का मतलब ये बोर्ड है, इससे कुछ संकेत, इससे कुछ संकेत आपकी हाथ की पाम या हथेली तक आते हैं, आपके हाथ की पाम या हथेली तक आते हैं, ठीक है। तो आपका हाथ यहाँ पे क्या हो गया, भाई ये अंग हो गया, बाह्य अंग हो गया, समझ गए, ठीक है। अब यहां से कुछ संवेदना कहां जाएगी, हाथ से जुड़ी हुई तंत्रिका कोशिका में, हाथ से जुड़ी हुई तंत्रिका कोशिका में जाएगी, फिर ये सूचनाएं कहां जाएगी तंत्रिका कोशिका से, अगली तंत्रिका कोशिका में जाएगी, अगली तंत्रिका कोशिका में जाएगी, और फिर कहां पहुंचेगी ये मेरुरज्जु में पहुंचेगी दोस्तों, कहां पहुंचेगी मेरुरज्जु में पहुंचेगी, और मेरुरज्जु से ये संकेत कहां पहुंचेंगे मस्तिष्क में पहुंचेंगे दोस्तों, कहां पहुंचेंगे मस्तिष्क में पहुंचेंगे, और मस्तिष्क इन पर विचार विमर्श करेगा, मस्तिष्क इन पर क्या करेगा विचार विमर्श करेगा, समझ गए ना। अब विचार विमर्श यानी मस्तिष्क इस पर फैसला लेगा, या अब ये बोल सकते हैं एडजस्टमेंट का कार्य करेगा। आप बोलोगे किस प्रकार का एडजस्टमेंट, तो देखिए सोचो आपने हाथों से दो पतीले पकड़ रखे हैं, आपके हाथ में दो पतीले हैं, ठीक है दोनों गर्म हैं, ये भी गर्म है और ये भी गर्म है, इस पहले पतीले में भरा हुआ है दोस्तों पानी, समझ गए, और इस दूसरे पतीले में भरा हुआ है क्या घी, शुद्ध देसी घी आपने गर्म किया है वो, ठीक है। अब यहां से गर्माहट की संवेदना यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, फिर मेरुरज्जु में जाएगी, और मेरुरज्जु से मस्तिष्क में जाएगी, मस्तिष्क विचार विमर्श करेगा ये गर्म तो है हानि हो रही है लेकिन क्या है इसमें पानी है, तो क्या है इसमें पानी है, तो इस पतीले को यहीं पर है छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये फैसला हाथों हाथ मस्तिष्क मेरुरज्जु को देगा, मेरुरज्जु तंत्रिका कोशिका को देगी, तंत्रिका कोशिका इस तंत्रिका कोशिका को देगी, और फिर ये सूचना बाह्य अंग तक पहुंचेगी यानी हाथों तक पहुंचेगी, और हाथ उस पतीले को छोड़ देगी, हाथ उस पतीले को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, समझ गए ना। लेकिन उसी पतीले में अगर 2 किलो घी भरा हो,
समझ रहे हो बात को? तो क्या आपके हाथ छोड़ेंगे क्या? हाथ से भी मस्तिष्क फैसला लेकर क्या बोलेगा, देख नुकसान तो हो रहा है, अपने को नुकसान तो हो रहा है लेकिन घी से ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए इस पतीले को जान से छोड़। तो हाथ जल जाएंगे फिर भी अपन उस पतीले को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ना। हाँ घर वाले डांट लगा सकते हैं, इसलिए इस पतीले को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए। हाँ तो ये फैसला कौन लेता है? मस्तिष्क लेता है दोस्तों, ये फैसला कौन लेता है? मस्तिष्क, जिसे अपन क्या बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यानी ये गर्म दोनों थे लेकिन दोनों इनमें उपस्थित पदार्थों के आधार पर मस्तिष्क ने अलग अलग फैसले लिए दोस्तों, लिए या नहीं लिए, हाँ तो वही बात है, ठीक है। इसी प्रकार अपन बोल सकते हैं कि एक तो आप एक खाई के किनारों पे खड़े हो और आपको कांटा चुभ गया तो आप उस कांटे का दर्द सहलोगे, समझ गए, और एक आपको नॉर्मल कांटा चुभा है तो आप रोने लग जाओगे, ठीक है। उस कांटे को वहीं पे रुक के जल्दी से निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन आप एक खाई के किनारे पे खड़े हो तो उस कांटे को छोड़ो, कांटे को नहीं निकालोगे, आपको ये डर रहेगा कि कहीं आप खाई में ना गिर जाओ। उसी प्रकार अगर कड़ी धूप के अंदर जब आप खेत में गए हो और आपके पीछे पीछे कुत्ता पड़ जाए, समझ गए ना, आपके पीछे एक पागल कुत्ता पड़ जाए, मैं गारंटी लेता हूँ चप्पल कहीं पे रह जाएगी, आप छोड़ ही दोगे उसे, और पैर में कितने कांटे चुभे हैं वो घर पर आके देखोगे, उस कुत्ते से पीछा छुड़ाए पहले नहीं देखोगे, और अन्यथा एक छोटा सा कांटा चुभने पे भी आप गौर कर देते हो, इससे भी अपने को क्या होता है, दर्द होता है, वो सब क्या होता है दोस्तों, नियंत्रण एवं समन्वय होता है। अब सुनो, तो यहां पर कोई क्रिया हुई और उसकी प्रतिक्रिया किसने की, मस्तिष्क ने, उसकी प्रतिक्रिया किसने की दोस्तों, मस्तिष्क ने की। अब ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया है ना, किसी क्रिया के प्रति होने वाली मस्तिष्क द्वारा प्रतिक्रिया होती है उसे अपन प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं दोस्तों, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। और यह क्रिया जिस पथ या रास्ते के माध्यम से संपन्न होती है, जिस पथ के माध्यम से संपन्न होती है उस पथ को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं दोस्तों, उस पथ को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। ये जो पूरा वे है ना इसे क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती चाप बोलेंगे। क्लियर है बात दोस्तों, बताइए कोई दिक्कत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।